Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel. And if you're returning subscriber, so welcome back to my channel. Or आपकी जो वीडियो है, requested वीडियो है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं. और ये जो वीडियो है शीट मास्क के ऊपर है. ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ये वाली थी, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप देख सकते हैं. और अगर आपको जो है आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सके. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. यहाँ पे जो मैं शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ वो है आई एम लोटस का शीट मास्क, जो कि एक फ्लावर है. बहुत ही ये अच्छा वर्क करता है. आपके फेस पे ब्लैक हेड्स को ये रिमूव करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है. एंड प्लस ये जो है एलिमिनेटिंग फेस मास्क है. ज़रूरी नहीं है कि आप सेम यही शीट मास्क यूज़ करो, आप कोई भी शीट मास्क यूज़ कर सकते हो. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ काफ़ी, आई थिंक मेरी वीडियोस हैं. एक मैंने बनाई थी जो कि गार्नियर शीट मास्क की थी, जो कि ये वाली वीडियो थी. और लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप आई कार्ड बटन पे चेक कर लीजिएगा. लेकिन ये चूँकि रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर ही वीडियो बनाई जाए. तो यहाँ पे जो है मैं ये वाला शीट मास्क ले रही हूँ. आप चाहें तो कोई भी शीट मास्क यूज़ कर सकते हो. और एक मेरे पास दूसरा जो शीट मास्क है वो है आई एम हेम्प, यानी कि ये वाला जो शीट मास्क है बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी वर्क काफ़ी ग्रेट करता है क्योंकि इसमें हेम्प है. हेम्प के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करता है. तो मुझे फिलहाल मैं यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग वाला शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ. रीज़न ये है क्योंकि मुझे जो फेस के ऊपर इल्यूमिनेटिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग जो है ना चीज़ अच्छी लगती है. तो इसलिए जो है मैं ये शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ. और मैं आपको बताऊँ ये मैं ट्विस्ट इन अ वीक जो है ज़रूर ये ट्राई करती हूँ. सो यहाँ पे जो है मैंने इसको कर दिया है ओपन. हम यहाँ पे करेंगे ओपन, इसको इस साइड से करना है. अगर आप बैक के ऊपर इसके आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है, किस तरह से ये लगाना है, अप्लाई करना है. और ये जो है आई डोंट नो जापानीज में है, चाइनीज़ में है या कोरियन में लिखा हुआ, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है. इसको हमने कर दिया है इस तरह से ओपन. एंड फेस मेक श्योर क्लीन हो, वॉश्ड हो, डर्टी फेस ना हो. एंड ये जो नोज का एरिया है ना इसको भी हमने इसको ओपन किया, ठीक है. और अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपने फेस पे. तो अब मैं जो हूँ बात करूँगी आपके साथ हेम्प ऑयल की, या आप कह सकते हैं हेम्प मास्क की. आप जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ये आपके फेस से जो एक्सेस ऑयल है इसको रिमूव करता है, आपकी फाइन लाइंस को फिनिश करता है, प्लस आपकी एंटी एजिंग का जो है सिलसिला उसको रोकता है. एंड ड्राइनेस को ये काफ़ी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी कि आप ये वाला भी जो फेस मास्क है किसी भी ब्रांड में आपको मिले आप ज़रूर ट्राई आउट कर लीजिएगा. स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मसला है ड्राइनेस का, या जिनकी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट होती है, या जिनकी फाइन लाइंस है, या एंटी रिंकल्स है, या एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर ये फेस मास्क अप्लाई करें. इसको मैंने लीव करना है अबाउट 20 to 30 मिनट्स के लिए, ठीक है. सो मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर 30 मिनट्स के बाद. सी या गाइस, यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं, डन एंड कम्प्लीटली ये ड्राई हो चुका है. आप देख सकते हैं कितना ये ड्राई हो गया है यहाँ से. तो इसको मैं रिमूव करती हूँ. लिटिल बिट हमने जो है इसको अपने हैंड की हेल्प से, फिंगर टिप से मसाज करना है जेंटली, ताकि जितना भी इसमें हमारे ऑयल था वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए. यहाँ पे जो है मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुई है, क्लीन हुई है. और मुझे जो एक ड्राइनेस थी मेरे फेस पे उसको इसने अच्छे तरीके से कवर अप किया है. तो ओवरऑल आई लाइक दिस फेस मास्क. तो यहाँ पे जो है मैंने आफ्टर जो है फेस मास्क अप्लाई करने के बाद सिर्फ मैंने जो है ना लिपस्टिक को अप्लाई किया, और नथिंग एल्स, मैंने कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं यूज़ किया है.
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है. सो मैं आपको इसका एक और चीज़ बता दूँ कि आप इसको वेस्ट मत करिएगा. इसको आपने क्या करना है कि इसको वॉश करके अच्छे से सोप से वॉश कर लें, आप क्लीन वाटर से वॉश कर लें, इसको आप रख दें. और आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना मैं इसके साथ एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि फेस मास्क शीट मास्क के ऊपर ही होगा कि आप घर में कैसे होममेड शीट मास्क बनाते हैं. तो आप जो भी शीट मास्क बना रहे हैं यानी कि कोई भी आप अपने फेस के लिए मास्क बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इसको 2 से 3 टाइम्स. लेकिन वॉश ये ज़रूर करिएगा क्योंकि ये जो है कॉटन के ऊपर कपड़े के ऊपर है तो ये जल्दी से ना रिप ऑफ हो जाता है. सही है. तो मैं आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. तो वर्क ये इस तरह से करता है कि ये एक तरह के कपड़े के ऊपर यानी कि क्लोथ पे है और ये क्लोथ ज़्यादा ना मोटा है ना पतला. ये देखें आप इसको यूं करेंगे तो ये थोड़ा सा रिप ऑफ हो जाएगा. सही है. तो ये जो है एक कॉटन के ऊपर है कपड़े के ऊपर ये बना हुआ है. इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ होता है सीरम जो कि आपके फेस के ऊपर निवेश करता है यानी कि आपके फेस के ऊपर जो है ना सॉफ्टनेस लेकर आता है. आपके फेस को क्लीन तो नहीं करता लेकिन फेस को सॉफ्ट जरूर करता है. अगर आप कोई सा भी फेस शीट मास्क यूज़ करो चाहे वो इल्यूमिनेटिंग हो चाहे वो ग्लोइंग के लिए हो चाहे वो ड्राई स्किन के लिए हो चाहे वो सेंसिटिव स्किन के लिए हो तो उसके अंदर उनके अपने इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके फेस को बहुत ही जल्दी जो है सॉफ्ट करते हैं आपकी स्किन को और एक आपके चेहरे पर चमक ग्लो लेकर आता है. ओके सो थर्ड जो है मैंने आपके साथ जो बात करनी थी वो ये थी कि हम क्या घर में होममेड शीट मास्क बना सकते हैं, उसका सीरम बना सकते हैं. ज़रूर बना सकते हैं. आप कोई सा भी सीरम आप यूट्यूब पे देखें काफ़ी सारे सीरम्स की वीडियोस हैं कि किस तरह से बनाएं या किस तरह से फेस मास्क बनाएं तो उनमें से आप चेक करके कोई भी फेस मास्क आप ले सकते हो. लेकिन मिनीसो से आप जो है ना बहुत अच्छे फेस मास्क मिल जाते हैं जो कि ड्राई होते हैं. मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेस मास्क जो आप घर पे बना सकते हो और वो शीट अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप आपको मेरी ये छोटी सी क्विक सी वीडियो ट्यूटोरियल रिव्यू पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियोस. अनायस हियर एंड आपको पता शोर होता है तो ये मेरे साथ ही है. अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.